एक बार की बात है, एक जंगल में खूनखार चील रहती थी। वो चील बहुत ही भूखी थी। वह हर रोज किसी न किसी पक्षी के बच्चों को खा लेती, पर फिर भी उसका पेट कभी नहीं भरता। इसीलिए जंगल के सब पक्षी उस चील से अपने बच्चों को बचाकर रखते थे। चलो चील रानी, आज तो बहुत भूख लग रही है, किसी अच्छे से पक्षी के बच्चे खाती हूँ जाकर। पर किसके बच्चे खाऊं? सभी पक्षी मुझसे अपने बच्चे छुपाने लगे हैं। पर कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी भूख तो मिटानी होगी। जाकर ढूंढती हूँ, किसी न किसी पक्षी के बच्चे तो मुझे दिख ही जाएंगे, फिर मैं उन्हें मजे लेकर खाऊंगी। फिर वे चील उड़ती हुई पक्षियों के बच्चे ढूंढने लगती है। चील को बच्चे ढूंढते ढूंढते सारा दिन गुजर जाता है, पर फिर भी चील को कोई बच्चा नहीं मिलता। चील निराश होकर वापस अपने घोंसले में चली जाती। अरे चिड़िया जी, जब से हमने अपने बच्चों को छुपाकर रखना शुरू किया है, जब से हमारे बच्चे चील नहीं खा रही है, हमारा ये तरीका तो काम कर गया। हाँ हाँ चिड़िया जी, ये तरीका बहुत अच्छा था। फिर ऐसे ही रोज चील बच्चे ढूंढने के लिए निकलती, पर सारा दिन तलाश करने के बाद भी उसे कोई बच्चा ना मिलता। वो निराश होकर वापस लौट जाती। अरे कितने दिनों से भूखी हूँ मैं, क्या करूँ? अब तो मेरी भूख बढ़ती ही जा रही है, ऐसा चलता रहा तो मैं मर जाऊंगी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर चील को एक योजना आती है। अरे हाँ, दिन भर ये पक्षी अपने बच्चों को छुपा कर रखते हैं, इसका मतलब दिन भर इनके बच्चे भूखे रहते होंगे। फिर तो रात में ही ये लोग अपने बच्चों को खाना खाने के लिए निकालते होंगे बाहर। अभी रात हो रही है, अभी जाकर देखती हूँ कि किसके बच्चे बाहर हैं। मुझे जिस किसी के बच्चे मिलेंगे मैं खा लूंगी। फिर चील उड़ती हुई बच्चे ढूंढने लगती है। चील काफी देर से बच्चे ढूंढ रही होती है। अचानक एक पेड़ की डाल पर उसे एक बच्चा दिखता है। चील के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, ये बच्चा तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, इसे जाकर खाती हूँ। फिर वो चील उड़ती हुई उस डाली पर जाकर बैठ जाती है। चील का वजन काफी ज्यादा था, इसीलिए डाल हिलने लगती है और बच्चा जमीन पर गिर जाता है। अरे ये बच्चा तो जमीन पे गिर गया, चलो इसे जाकर खाती हूँ। वो बच्चा जमीन पर दलदल में गिर गया था। बच्चे का वजन कम था, इसीलिए बच्चा दलदल के अंदर नहीं घुस रहा था। फिर जैसे ही चील बच्चे को खाने के लिए दलदल में जाती है, तो ज्यादा वजन होने की वजह से वो उसमें धंसने लगती है। अरे ये क्या हो गया, अरे मैं तो यहाँ बुरी फंस गई हूँ। ये नास पीटा बच्चा तो अंदर नहीं जा रहा था, मैं इस मिट्टी के अंदर क्यों जा रही हूँ? अब मैं क्या करूँ, कोई तो मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। चील से सब पक्षी नफरत करते थे, इसीलिए चील की मदद कोई नहीं कर रहा था। अरे चील, तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा, तुम सबके बच्चों को खा जाती हो, इसीलिए हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। फिर तोता वहाँ से चला जाता है। अरे नास पीटे, मुझे बचा ले। फिर चील काफी देर से चीख रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ कौवा उड़ता हुआ आता है। चील कौवे को देखकर उससे मदद मांगती है। अरे कौवे पक्षी, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे नहीं नहीं चील बहन, मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा, तुम बाहर निकलकर हमारे बच्चों को खा जाती हो, मैं तुम्हें कभी नहीं निकालूंगा। अरे कौवे, अगर तुम मुझे बाहर निकालेगा तो इसमें तेरा ही फायदा है। अरे चील बहन, मैं अगर आपको बाहर निकालूंगा तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा? अरे कौवे, आज मैं इस दलदल में धस के मर जाऊंगी, पर मेरे और साथी तो तुम्हारे बच्चों को खा जाएंगे ना। अगर मैं बच गई
तो मैं अपने और साथियों को भी बता दूंगी कि कौवे ने मेरी मदद करी थी। कौवे के बच्चों को कोई मत खाना। अरे हाँ, बात तो तुम ठीक कह रही हो। अच्छा फिर ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ। फिर कौवा एक दरख्त की बेल की मदद से उस चील को बाहर निकाल लेता है। अरे कौवे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। अब मैं अपने सब साथियों को बता दूंगी कि तुम्हारे बच्चों को कोई ना खाए। कौवे और चील के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अरे कौवे, तुम मुझे अपने बच्चों की कोई निशानी बता दो ताकि मैं तुम्हारे बच्चों को ना खाऊं। अरे चील बहन, तुम्हें इसमें जानने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दूर से ही मेरे बच्चों को देखकर पहचान जाओगी। जंगल में सबसे खूबसूरत मेरे ही बच्चे होते हैं। बिल्कुल सफेद, चमकते हुए, बहुत ही प्यारे बच्चे होते हैं हमारे। अच्छा कौवे, ठीक है, अब मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं खाऊंगी। फिर चील वहाँ से चली जाती है। सब पक्षियों को पता चल चुका था कि कौवे ने उस चील को बचा लिया है, इसीलिए अभी भी सब पक्षी अपने बच्चों को छुपा कर रखते थे। लेकिन कौवा अपने बच्चों को कभी भी नहीं छुपाता था, क्योंकि चील ने कहा था कि वो उसके बच्चों को नहीं खाएगी। फिर एक दिन चील शिकार की तलाश में निकलती है। वो काफी देर से कुछ खाने को ढूंढ रही होती है, पर उसे किसी भी पक्षी का बच्चा नहीं मिल रहा होता। अरे गजब है, आज भी किसी का बच्चा नहीं दिख रहा है। अगर फिर से रात में किसी का बच्चा खाने गई तो मैं फिर से दलदल में ना गिर जाऊं। कुछ भी करके दिन में ही मुझे किसी का बच्चा ढूंढना होगा। फिर वह चील बच्चे ढूंढ ही रही होती है कि उसे दूर से ही काले काले चमकते हुए बच्चे नजर आते हैं। अरे ये किसके बच्चे हैं? काले काले भूषण, इतने बुरे, ये बच्चे मेरे कौवे दोस्त के तो नहीं हो सकते। इन्हें जाकर खा लेती हूँ। फिर वे चील उड़ती हुई उन बच्चों के पास जाती है और एक एक करके सभी बच्चों को खा जाती है। फिर वहाँ कौवा भी उड़ता हुआ आ जाता है। अरे नाश पीटी चील, तूने तो कहा था कि तू मेरे बच्चों को नहीं खाएगी, फिर भी तूने मेरे बच्चों को खा लिया। अरे मैंने तुझे निकाल कर बहुत गलती करी, मैं तुझे उस दिन मरने देता तो बहुत ही अच्छा होता। ए कौवे, मुझे झूठ मत बोल, तूने तो कहा था तेरे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। मैं यहाँ से जा रही हूँ, वरना मैं तुझे भी खा जाऊंगी। फिर वो चील वहाँ से चली जाती है। फिर वही तोता उड़ता हुआ आता है और कौवे से कहता है, अरे कौवे, इसमें गलती तुम्हारी ही है। हम जैसे भी हैं, हमें अपनी पहचान नहीं छुपानी चाहिए। ये सब तुम्हारे झूठ की वजह से हुआ है। तुमने उस चील को झूठ कहा कि तुम्हारे बच्चे बहुत ही खूबसूरत होते हैं, इसीलिए वो चील धोखे में आ गई और वो तुम्हारे बच्चे खा गई। फिर कौवे को अपने झूठ बोलने पर बहुत पछतावा होता है। आगे से कौवा कभी भी झूठ नहीं बोलता। किसी जंगल में एक हरे भरे दरख्त पर चिड़िया का घोंसला था। उसमें मीनू चिड़िया और उसके तीन छोटे छोटे बच्चे रहते थे। उस दरख्त और मीनू चिड़िया के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी। जब मीनू चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना जमा करने निकलती तो दरख्त उसके बच्चों का ध्यान रखता। एक दिन मौसम बहुत खुशगवार था। हवा की हल्की हल्की लहरों से पेड़ की टहनियां लहरा रही थी। सूरज धीरे धीरे मशरिक से उभर रहा था। फिर मीनू चिड़िया की जैसे ही आंख खुली तो दरख्त ने कहा, अरे मीनू चिड़िया, सुबह हो गई है, देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। दरख्त भैया, हमारा जंगल तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ रोज ही बहुत अच्छा मौसम होता है। अरे हाँ हाँ मीनू चिड़िया, पर तुम इस मौसम का अच्छे से मजा लेती होगी, क्योंकि तुम उड़ सकती हो। अरे हाँ हाँ दरख्त भैया, मुझे तो बहुत मजा आता है, पर हमें मेहनत करके अपने खाने के लिए दाना जमा करना होता है, और आप लोगों को तो ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता।
हाँ हाँ मीनू चिड़िया, तुम ये भी ठीक कह रही हो। हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। हर किसी की अलग अलग परेशानियाँ होती है। दरख्त भैया, अब आप मेरी बात अच्छे से समझ गए हैं। अरे मीनू चिड़िया, क्या तुम्हारे बच्चे अभी तक नहीं जागे? नहीं दरख्त भैया, उन्हें देर तक सोने की आदत है। मैंने उन्हें सोता छोड़ दिया है और उनके लिए नाश्ते का बंदोबस्त करने जा रही हूँ। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, तुम आराम से जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रख लूँगा। फिर मीनू चिड़िया अपने पर फड़फड़ाते हुए फिजा में गायब हो गई। बच्चे गरम गरम घोंसले में सोते रहे। जब सूरज पूरी तरह निकला तो उसकी तपिश से बच्चों की आंख खुल गई। बच्चों ने उठकर दाएं बाएं देखा तो उनकी माँ वहाँ पर मौजूद ना थी। काफी देर तक उन बच्चों ने मामा चिड़िया का इंतजार किया, पर वो चिड़िया ना लौटी। बच्चों को बहुत ज्यादा भूख भी सता रही थी और खौफ भी था कि मामा चिड़िया किसी शिकारी के हाथ न लग गई हो। फिर बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं। मेरी प्रिया मामा कहाँ गई है? अरे छोटे पता नहीं मामा कहाँ गई है। मामा को बहुत देर हो गई है और वो अभी तक नहीं आई। जब दरख्त ने ये बात सुनी तो उसे भी काफी खौफ आया, लेकिन उसने बच्चों को तसल्ली देते हुए कहा, अरे बच्चों परेशान मत हो, तुम्हारी माँ जल्दी लौट आएगी। उसने देर जरूर लगा दी है, पर दाना जमा करना कोई आसान काम नहीं है। जब तुम बड़े होगे जब तुम्हें एहसास होगा। ये सुनकर बच्चे खामोश हो गए। बड़ा बच्चा अपनी माँ की वापसी का इंतजार करने के लिए घोंसले के किनारे पर खड़ा हो गया। जब बड़ा बच्चा उठा तो उसके नीचे से एक दाना निकला जिस पर छोटे बच्चे की नजर पड़ी। छोटा बच्चा खुशी से चिल्ला उठा, ये देखो डंठल का दाना। अरे छोटे, ये दाना मेरे नीचे था इसलिए ये दाना मेरा है, ये दाना तुम नहीं ले सकते। इस पर पहले मेरी नजर पड़ी थी इसलिए ये दाना मेरा है। दोनों बच्चे आपस में झगड़ने लगे और तीसरा बच्चा बैठकर तमाशा देखने लगा। जब दरख्त ने बच्चों को झगड़ते देखा तो उसने उनकी सुलह करवाने की बहुत कोशिश की, पर कोई फायदा ना हुआ और वो बच्चे झगड़ते रहे। फिर दरख्त ने तीसरे बच्चे से कहा, अरे तुम अपने भाइयों को समझाओ और इनका झगड़ा खत्म करवाओ। मैं ऐसे मामलात में नहीं घुसता जिसमें मेरा फायदा ना हो, और इस मामले से तो मेरा कोई ताल्लुक भी नहीं है। अरे इस मामले में तुम्हारा ताल्लुक है क्योंकि तुम भी इस घोंसले में रहते हो। तुम उस घोंसले में सुकून से नहीं रह सकोगे जिसमें झगड़ा हो रहा हो। ये तुम्हारा अपना घर है और इसकी हिफाजत तुम सबकी जिम्मेदारी है। दरख्त ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की पर वो बिल्कुल भी नहीं समझा, इसीलिए दरख्त खुद ही खामोश हो गया। झगड़ा जारी रहा। एक बच्चा चोंच मारता तो दूसरा पंजे मारता। जब दोनों बच्चे थक गए तो छोटे बच्चे ने एक सख्त तिनका उठाकर बड़े को मारना चाहा, लेकिन हवा की वजह से वो तिनका तीसरे बच्चे की आंख में जाकर लगा। तीसरा बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर छोटा बच्चा आया और उसे चुप कराने लगा, और फिर दूसरा बच्चा भी वहाँ आ गया। जब दर्द कुछ कम हुआ तो तीसरे बच्चे को दरख्त की वो बात याद आई जो उसने अभी उससे कही थी कि तुम ऐसे घर में नहीं रह सकते जिसमें झगड़ा और फसाद हो। फिर तीसरे बच्चे ने दोनों में सुलह करवाई और छोटे बच्चे ने बड़े से माफ़ी मांगी। फिर बड़े ने उसे माफ कर दिया और वो हंसी खुशी खेलने लगे। लाओ वो दाना लाओ जिस पर तुम दोनों लड़ रहे थे, मैं तुम्हें वो आधा आधा दे देता हूँ। पर वो दाना अब उस घोंसले में नहीं मिल रहा था। मुझे लगता है दाना घोंसले से नीचे गिर गया है। इस पर वे तीनों अफसुर्दा हो गए तो दरख्त ने उनसे कहा, दाने के खो जाने से ज्यादा अफसुर्दा मत हो। जो प्यार तुम में वापस लौट आया है वो उस दाने से बहुत कीमती है। बच्चों को दरख्त की बात समझ आ गई। अब तुम्हारी माँ के आने का वक्त होने वाला है, अपने घोंसले को दुरुस्त कर लो। तुम्हारे वालिद ने इसे बहुत मेहनत से बनाया था जिसे तुम लड़ाई झगड़ा करके बर्बाद कर रहे थे। तीनों बच्चे उस घोंसले को मेहनत करके संवार लेते हैं।
फिर थोड़ी देर बाद मीनू चिड़िया वहाँ आ जाती है और फिर वो सब मिलकर दाना खाते हैं।